नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर कमीशन के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका कार्य होता है देश में निगरानी रखना, जागरूक करना तथा सतर्क रहना। तो देश में किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियां, किसी भी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस या फिर किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्यों के प्रति अपने केंद्र सरकार तथा विभिन्न एजेंसीज को इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पहुंचाते रहती है तथा उन्हें सावधान करते रहती है। हाल ही में यह सुर्खियों में था क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने विभिन्न मिनिस्ट्रीज को सजेशंस किए कि वे कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस लाए तथा ये उनके एक नए अप्रोच के तहत किया गया जो कि होता है प्रिवेंटिव विजिलेंस, ना कि प्यूनिटिव विजिलेंस। तो जानते क्या होते हैं प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव विजिलेंस। इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई आतंकवादी गिरोह या कोई अलगाववादी आतंकवादी दूसरे देश म्यांमार के बॉर्डर से अगर वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू भारत एंटर कर रहा है, तो इस बारे में अगर देश की सुरक्षा विभाग को पहले से ही जानकारी हो जाती है तथा वे इन्हें ट्रैक करते रहते हैं, इनकी हर पल की खबरों को ट्रैक करते रहते हैं तथा इन्हें फिर वे किसी त्रासदी या किसी बड़े इंसिडेंट के घटने से पहले ही जब इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है तथा इन्हें पहले ही इनके प्लान को नाकामयाब किया जाए, तो वो एक उदाहरण हो सकता है प्रिवेंटिव विजिलेंस का। अब प्यूनिटिव विजिलेंस क्या कहलाएगा? अगर यही आतंकवादी आ जाते हैं और वो कोई देश में कोई बड़ा बम ब्लास्ट या किसी प्रकार की बहुत बड़ा युद्ध करके वे फिर वापस कहीं किसी जगह जाने लगते, तब इन पर अगर सुरक्षा विभाग इनकी गतिविधियों पे निगरानी रखना शुरू करती है तब उससे बोला जाएगा प्यूनिटिव विजिलेंस। तो घटना के पहले उन पे निगरानी रखना कहलाएगा प्रिवेंटिव, घटना के बाद कहलाएगा प्यूनिटिव। तो यह सीवीसी की इस प्रकार की अपनी पहली एक्सरसाइज है तथा इसका एक इंटेंशन था कि एक सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट लाया जाए विभिन्न मिनिस्ट्रीज और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। अब हम जानते हैं सीवीसी के बारे में। इसका गठन 1964 में किया गया था। किसके द्वारा, किसके सजेशंस पे? संथनम कमेटी के रिकमेंडेशंस में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संथनम कमेटी। तो इनका मकसद होता है एडवाइस करना तथा सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करना विजिलेंस के फील्ड्स में तथा सन 2003 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान किया गया। तो सीवीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके चीफ होते हैं या फिर चेयरपर्सन होते अपने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इसके अलावा दो अन्य विजिलेंस कमिश्नर मौजूद हो सकते हैं। फिर सीवीसी का सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि 3 मेंबर कमेटी के सुझाव पे किया जाता है। तो इन 3 मेंबर कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो इनके हेड होते हैं, फिर होते एक यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, फिर एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अब इनसे रिलेटेड हाल ही में एक न्यूज़ थी, इंटीग्रिटी पैक्ट। तो हाल ही में सीवीसी ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कुछ बदलाव लाए, उनमें कुछ अमेंडमेंट किए तथा उन्होंने इंटीग्रिटी पैक्ट को अडॉप्ट किया। तो इसका कार्य होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ को पे सतर्कता रखना तथा रेस्ट्रिक्शन करना।
तो इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स करके कुछ ऑफिसर्स होंगे, इनका नाम होगा इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स, जिनका टेन्योर होगा मैक्सिमम 3 वर्ष का। जानते हैं क्या होते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट, क्या होता है? ये एक प्रकार का विजिलेंस टूल है जो दो दो पार्टीज के बीच हो रहे वैन हो रही डील को ऑब्जर्व करते रहना, जिसमें एक तरफ होंगे वेंडर या फिर बिडर और दूसरी तरफ होंगे बायर। तो यह कमिट करेगा कि दोनों ही पार्टी किसी भी प्रकार के करप्ट प्रैक्टिसेस पे या किस उन पे किसी बाहरी इन्फ्लुएंस का प्रभाव ना हो, और तथा इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं उनमें किसी भी प्रकार का गैर कानूनी मतभेद ना हो। फिर इंटीग्रिटी पैक्ट को किसके द्वारा संभव किया जाएगा? ये कुछ ऑफिसर्स होंगे जो कहलाएंगे इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स। ये इस पूरे प्रोसेस पे निगरानी रखेंगे। तो ये ऐसे लोग होंगे जिनके जिनके चरित्र पर हम किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकते, तथा ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी देश के प्रति संविधान के प्रति पूरी निष्ठा होती है। तो इंटीग्रिटी पैक्ट एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है और साथ ही साथ ये एक प्रोसेस भी है। तो ये अन्य बहुत से लीगल सेटिंग्स में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर इंटीग्रिटी पैक्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा सन 1990 में डेवलप किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।